मेरा नाम मोहम्मद फहीम साजिद है और मेरा मसला है कि मैं ना पढ़ाई में हर दफा बहुत फास्ट था, लेकिन मैं दो साल से बहुत कमजोर हो रहा हूँ। मैंने इस मरतबा पेपर दिए हैं फर्स्ट ईयर एसएससी पार्ट वन के, पिछली दफा भी दिए थे, पिछली दफा मेरे चार सपने, लेकिन इस मरतबा मेरा पढ़ाई में पता नहीं क्यों दिल नहीं लगता कि ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं ना पढ़ाई में सबसे तेज हो जाए और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। इन्होंने कहा कि एक तो पढ़ाई में कमजोर है और दूसरा इनका मरीज पढ़ाई में दिल भी नहीं लग रहा, तो इनको चाहिए कि पढ़ाई में बिल्फर जैसे कुव्वत हाफिज़ा का मसला है तो हर नमाज के बाद अपने दाएँ हाथ की हथेली माथे पे रखें और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 11 बार या कवियू या कवियू या कवियू का वजीफा करें। इंशाल्लाह इसके बरकत से आपका हाफिज़ा मजबूत होगा माशाल्लाह। इसके अलावा इन्होंने कहा तो अमूमन बच्चों का जो वो घर में बच्चों का भी बात होगा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो मदन चैनल के नाज़रीन आपके घर में से भी बच्चे हैं जिनका दिल नहीं लगता तो वो भी वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा क्या है कि हर नमाज के बाद 101 बार या अल्लाहु या रहमानु या अल्लाहु या रहमानु या अल्लाहु या रहमानु अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 101 बार इस वजीफ़े को पढ़कर पानी पे दम करके उस बच्चे या बच्ची को जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा इसको पिला दें, और ये एक बार नहीं बल्कि हर नमाज के बाद यानी पांचों नमाज के बाद इस वजीफ़े को करना है और इस वजीफ़े को पढ़ के पानी पे दम करके इसी तरीक़ेकार के मुताबिक उस शख्स को पिला दें, बच्चे या बच्ची को पिला दें, तो इंशाअल्लाह उस बच्चे या बच्ची का ये पढ़ाई में दिल लग जाएगा।